आज हम विजुअल बेसिक में हम अपना दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं, देन जैसे हमने पहले किया था स्टैंडर्ड एग्जी, और इस फॉर्म पे हम अपना काम करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ से हमने कलर्स चेंज किए थे और एक कमांड बटन ड्रैग यहाँ से ड्रॉ किया था, उसका नाम भी चेंज किया था हमने विथ मी। चलिए इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं, प्रिंट। एक और यहाँ से बटन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ लेयर फॉर्म। आज हम एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेम। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नाम से कॉल किया जाता है वीबी में। हमें ऐसे नहीं पता कि ये जो फॉर्म है इसका नाम क्या है। जो कैप्शन होता है वो तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिर्फ टेक्स्ट की हद तक होता है। जो उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है वो यहाँ पे लिखा होता है नाम की फील्ड में यहाँ पर। तो इस फॉर्म का नाम है फॉर्म वन। अगर मैं इसका कैप्शन चेंज कर भी दूँ, इसका नाम सपोज के मेरा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था प्रिंट प्रोग्राम, तब भी इसका नाम चेंज नहीं होता, नाम इसका फिर भी फॉर्म वन ही है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से फॉर्म वन का नाम अगर आपने चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ काम करना है, उसको कहीं पे कॉल करना है, वीबी को बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ ये काम करें, तो उसे उसके नाम से बुलाना होगा। एक और काम हमने इस पर करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और बटन बनाया जाए जिस पर मैं क्लिक करूँ तो ये फॉर्म का कैप्शन जो है ये चेंज हो जाए। अब प्रिंट प्रोग्राम लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आ जाए। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक और बटन लेते हैं यहाँ से। अब इन तीनों को अरेंज कर लें थोड़ा सा, तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके। इस तरह से आपने इसका नाम चेंज कर देना है। इसका नाम हम रखते हैं चेंज नेम। अब इस पे हमने कोड ये लगाना है कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म वन का जो कैप्शन है वो ये चेंज हो जाए, उसमें कुछ और लिखा हुआ आ जाए जो हमने लिखवाना चाहते हो। जो तो इसके कोड व्यू में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म वन डॉट कैप्शन। काम हम किसके साथ करना चाहते हैं, फॉर्म वन के कैप्शन के साथ। इज इक्वल टू, अब हम इन्वर्टेड कॉमास में वो टेक्स्ट लिखते हैं कि जो हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं इस जगह के नाम पे। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जी प्रोग्राम नंबर टू और देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंटर। अब ये क्या काम करेगा, जब मैं इस कमांड बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म वन के कैप्शन को चेंज कर देगा प्रोग्राम नंबर टू। इसे बंद करते हैं। अब आप इसे रन करें, देखिएगा ये तो बटन था हमारा प्रिंट करने का, ये क्लियर फॉर्म का। चेंज नेम पे क्लिक करता हूँ, ऊपर से चेंज हो गया नाम। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा तो वही पहले से वही नाम लिखा हुआ है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। तो दोबारा अगर वापस कोई और नाम लिख के आना तो एक और बटन बनाना पड़ेगा जिस पर हम क्लिक करेंगे तो वो नाम कुछ और हो जाएगा। इस तरह से नाम में और कैप्शन में काफ़ी फर्क होता है। आप यूँ समझ लें कि एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसका नाम तो बॉक्स ही है कि वो एक खाली गत्ते का एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल बिस्किट्स कंपनी। तो अब उस गत्ते को हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये नेशनल बिस्किट्स कंपनी जो है वो पड़ी हुई, हम तो कहेंगे कि ये बॉक्स पड़ा हुआ है क्योंकि तो उसका नाम तो बॉक्स है, उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है नेशनल। इसलिए तो आप यूँ समझें कि ये जो क्लियर फॉर्म इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इसका कैप्शन है, जस्ट इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। एक्चुअली इसका नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी यहाँ पर जो लिखी हुई है नेम, इसका नाम कमांड टू है। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो कमांड टू के नाम से कॉल करेंगे। ये फॉर्म के ऊपर तो लिखा हुआ है कि प्रिंट प्रोग्राम, लेकिन ये है क्या, ये फॉर्म वन है, इसका नाम फॉर्म वन है।